प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जहां 1582 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात काशी वासियों को प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं। प्रधानमंत्री लगभग 5 से 6 घंटे तक यहां रहकर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। काशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री बीएचयू के आईआईटी मैदान में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बीएचयू परिसर में बने 100 बेड के एमसीएच विंग का निरीक्षण करने से पहले भारत और जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान पीएम जापानी डेलीगेट्स के साथ वर्चुअल संवाद भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम दौरा, आज काशीवासियों को 1582 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री, जिसमें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है, इसका लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री बीएचयू परिसर में बने 100 बेड के एमसीएच विंग का निरीक्षण करने भी पहुंचेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान पीएम जापानी डेलीगेट्स के साथ वर्चुअल संवाद भी कर सकते हैं। एक हजार पांच सौ बयासी करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री आज वाराणसी को, सभा को संबोधित भी करेंगे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण भी आज होने वाला है। इस दौरान जापानी डेलीगेट्स के साथ वर्चुअल संवाद भी पीएम मोदी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आज आने वाले हैं, जहां 1582 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात काशीवासियों को वो देंगे। सुबह 11 बजे बीएचयू हेलीपैड पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, हेलीपैड से सभा स्थल पहुंचकर संबोधित करेंगे। कुल 1582 करोड़ की योजनाओं की सौगात काशीवासियों को आज मिलने वाली है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण भी शामिल है। इसके अलावा 100 बेड के एमसीएच विंग का निरीक्षण भी करेंगे। वाराणसी से हमारे संवाददाता दुर्गेश यादव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। दुर्गेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है, और खासतौर से उनके कार्यक्रम में सबसे खास पहलू जानना चाहेंगे, क्योंकि खबर यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है उसका उद्घाटन लोकार्पण करने के बाद जापानी डेलीगेट से भी संवाद हो सकता है उनका वर्चुअल। जी आशीष, मैं आपको बता दूं कि यार 15 जुलाई आज है, आज प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद आज वाराणसी 10 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, और वहां से हेलीपैड के द्वारा, मैं आपको बता दूं कि हेलीपैड के द्वारा वो बीएचयू पहुंचेंगे। बीएचयू हेलीपैड पे उनके स्वागत के लिए राज्यपाल आनंदी पटेल बेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहले से ही पहुंच चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि वहां पे पहुंचने के बाद सीधे वहां पे लोग 1582 करोड़ की सौगात देशवासियों को देंगे, और मैं आपको बता दूं कि 142 परियोजनाओं की सौगात देंगे वाराणसी को, देशवासियों को, और उसमें 834 लोकार्पण, शिलान्यास और
दुर्गेश, आपकी जो आवाज है, आपका जो कनेक्शन है वो बार बार फ्रीज हो जा रहा है, आपकी आवाज भी कट रही है, लगता है ठीक तरीके से कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से हमारे साथ दुर्गेश जुड़ गए हैं। दुर्गेश, अपनी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए दुर्गेश। चलिए दुर्गेश, मैं सवाल मेरा यह है, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है, ऐसे में किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है की गई है, खासतौर से सभा स्थल पर कितने लोगों की भीड़ जमा हो सकती है। चलिए, लगता है दुर्गेश का संपर्क हमसे किसी कारण से कट गया है, कनेक्टिविटी की कुछ समस्या आ रही है। उससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा है, और सबसे खास बात यह है कि काशीवासियों को सौगात मिलने वाली है 1582 करोड़ की योजनाओं की, और जिसमें सबसे खास जो सौगात है वो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो कि काफी विशाल जो है से इसका